जिलों में अभी कोरोना संकट बढ़ा है, उसको लेकर भी जानकारी आपको देंगे। और योगी सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश भी दे दिए। अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि मेरठ और कानपुर आगरा इन तीन जिलों में लॉकडाउन में और सख्ती से बरतने के निर्देश दे दिए। तीन जिलों में मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था भी और मजबूत की जाएगी, ये जानकारी है। यूपी में L1, L2, L3 अस्पतालों में जल्द से जल्द 1,00,000 बेड की व्यवस्था करने का लक्ष्य भी रखा है। मेरठ, कानपुर और आगरा के संदर्भ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वहां के मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वहां जिला चिकित्सालयों को मजबूत करने के लिए, वहां की पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। और पुलिस विभाग को और जिला प्रशासन को ये भी निर्देश दिया है कि लॉकडाउन को और मजबूती से जो है आगे बढ़ाया जाए। तो सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं एसीएस मेरठ, कानपुर और आगरा में। साफ तौर पर निर्देश है कि यहाँ पर लॉकडाउन में और सख्ती लाया जाए, इसके निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही गई है और सीएम की खास नजर इन तीन शहरों पर है। सीएम योगी ने इन तीन जिलों में लॉकडाउन में और सख्ती लाने के लिए कह दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये तीनों ही जिलों में ज्यादातर जो केसेस हैं कोरोना के, वो बढ़ते जा रहे हैं, संख्या में कमी नहीं आ रही है। इसी वजह से अब मेरठ, कानपुर और आगरा में और भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही गई है और सीएम खास तौर पर इन तीनों शहरों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कोरोना संकट का जो संकट है वो यहाँ से टल नहीं रहा और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन यहाँ पर और सख्ती से पालन कराया जाए, लॉकडाउन का और सख्ती बरती जाए, इसके निर्देश सीएम ने दिए हैं। तो जानकारी देते हुए एसीएस नजर आए और कहा गया है कि मेरठ, कानपुर, आगरा के मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और भी अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो यूपी में L1, L2 और L3 अस्पतालों में मदद अब जल्द जो है 1,00,000 बेड की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा है और इस पर भी अब काम शुरू है। तो वहीं पर बात की जाए अलग अलग जिलों की, जिसमें मेरठ, कानपुर और आगरा है, इन तीन जिलों में लॉकडाउन में और सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं और इन तीन जिलों में मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी, ऐसी जानकारी है। तो यूपी में L1, L2, L3 अस्पतालों में जल्द से जल्द 1,00,000 बेड की व्यवस्था करने का लक्ष्य है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों का असर फौरन दिखने लगा। कोरोना के कहर को देखते हुए मेरठ में जिला प्रशासन ने संपूर्ण लॉकडाउन किया। दूध दवाइयों की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को बंद रखा गया है। फल, सब्जी और किराना दुकानों को भी खोलने की इजाजत नहीं है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरी सभी जनपदवासियों से अपील है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। हम ये जो कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पूरे जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, सारी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ मेडिसिन और दूध हम अलाउ करेंगे, बाकी नहीं। शुक्रवार से वैसी व्यवस्था रहेगी जो अभी तक चल रही है, कोई इसमें जैसा लॉकडाउन हमारा चल रहा है वैसा रहेगा। मेरी इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए राहुल मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, जरा बताएं मेरठ में अब क्या क्या जो है नियम और सख्ती से लागू कर दिए गए हैं, कहां पर लोग निकल सकेंगे, अभी कहां पर ध्यान देना होगा? देखिए, अनावश्यक किसी भी तरीके का मेरठ में कोई भी मूवमेंट नहीं है और उसमें सीधे तौर पर यह दिखाया जाए कि इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि संपूर्ण लॉकडाउन है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। केवल दूध और दवाइयों की दुकान जो कि ये कहा जाए यही केवल खोली गई है, बाकी की सारी जो दुकानें हैं उन सभी दुकानों को भी बंद कर दिया गया। एसेंशियल सर्विसेज में जैसे किराने की दुकान भी आती है और सब्जी, फल और सब्जी की भी दुकान आती है, उनको भी आज बंद कर दिया गया है और किसी भी तरीके से उसे खोलने की अनुमति नहीं है। और इसको लागू करवाने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे सुरक्षा का इंतजाम करवाया है, पूरे चारों तरफ फोर्सेज वहां पर लगाई गई हैं और लोग यदि घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये सीधे तौर पे एक प्रशासन की तरफ से कदम ये उठाया गया है, कोई भी किसी को भी अनुमति नहीं। और ये कारण इसलिए लिया गया है क्योंकि वहां पे जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना के ग्राफ को बढ़ने की वजह से जिला प्रशासन ने इस तरीके का कदम उठाया है। और ये कारण भी है कि जब आपको आइसोलेशन, आपको वहाँ कहीं सीधे तौर पे
लोगों से मिलना जुलना ये बंद करना होगा। यानी कि जितने भी नियम है उसको पालन करना आप जरूरी भी है, क्योंकि मेरठ में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया आपका राहुल, तमाम जानकारी देने के लिए।